गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चे केमिस्ट्री का कैमिकल बॉन्डिंग अगे देखियो आप दो तीन दिन तो इको हैडिंग लाया ना हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन दी मैं पहलों मेन डेफिनेशन दसी विद एग्जाम्पल अगले दिन आप करैक्टरिस्टिक्स पढ़िया तो अज आप पढ़नी कंडीशनस फॉर हाइब्रिडाइजेशन कि शर्त वा हाइब्रिडाइजेशन रिलेटिड जिन्हों सू मनना ही पैना पहली कंडीशन हैगी कंडीशन लिख के समझा दिना प्रॉपर ओनली वेलेंस इलैक्ट्रॉन जा इलैक्ट्रॉन कह लो जे इलैक्ट्रॉन कि पे होंगे ऑर्बिटल्स में पार्टीसीपेट इन हाइब्रिडाइजेशन देखियो यदि एग्जाम्पल जो मैं उपर गल लिखी वो मैच होंगी ये ना जिदा कार्बन या अटोमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2 1 वाला तो हो गया इनर शैल इनू आप बोलांगे इनर शैल तो जेडे 2-2 वाले आते बाहर वाले हो गए आउटर शैल तो आउटर शैल ही वेलेंस शैल हुंदा आउटर शैल नू आपां की बोलते हैं वेलेंस शैल जदों भी हाइब्रिडाइजेशन होनी सिर्फ इन्हां ने पार्टीसपेट करना इहदा कोई रोल नहीं हैगा पहली शर्त ये याद रखनी है नहीं कि सारे चुक के लिखी जाने हैं सिर्फ आपां हाइब्रिडाइजेशन जदों करवानी ना 2s वाला बनाउणा ते 2p वाला बनाउणा होर कोई नहीं बनाउणा जदों आपां इदां इलैक्ट्रॉन भरी दे इहो ऑर्बिटल बनाउणे ते इहो इलैक्ट्रॉन पार्टीसपेट करनगे ठीक पहली कंडीशन होगी दूसरी शर्त की हैगी अटोमिक ऑर्बिटल्स पार्टीसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी इहदा मीनिंग की हैगा फिर एक यो एग्जाम्पल दे थ्रू कवर हुंदा मैं सेम एग्जाम्पल लैके चलूँगा कार्बन 6 1s2 2s2 2p6 इन्हां ते इन्हां दे विच देखियो आपां एहो दो लिखी देना 2s लिखिया ते एक आपां लिखिया 2p 1s क्यों नहीं लिखी दा इहदी एनर्जी हैगी आ वैरी लो एनर्जी शैल आए तो जेड़े आ वा इहदी एनर्जी हाई होगी इहदी एनर्जी इहदे तो थोड़ी कु ज़्यादा होगी ठीक है ये भी आलमोस्ट सेम ही होनी है सेम पूरी नहीं हो सकती जिदा इहदी एनर्जी होवे जस्ट एग्जाम्पल है कोई नंबर तुसीं याद नहीं करना 0.36 इहदी एनर्जी होवे 0.38 तो इहदी एनर्जी होवे 0.14 आ वेखो फर्क हैगा पर इन्हां च फर्क इन्ना नहीं हैगा इन्हां दी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहीदी ये नंबर याद ना करियो मैं वैसे एग्जाम्पल दित्ती है इदां दा नंबर कोई भी नहीं हुंदा ठीक है मैं कहना की चाहुंदा इत्थे भी इन्हां दोनों की एनर्जी आलमोस्ट सेम आ जिन्हां ने हाइब्रिडाइजेशन करनी उस तों बाद थर्ड पॉइंट आप बनाइए प्रमोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स डन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन इहदा मीनिंग की हैगा एग्जाम्पल फिर वह देखियो ताकि तुहानू पूरी ये लर्न हो जाए कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 2s दे विच किन्ने हुंदे दो पी दे विच भी दो एक केड़ी स्टेट आ ग्राउंड स्टेट अगे आपां लिखिया इस तरह ते एक्साइटिड स्टेट दे विच प्रमोशन ही हुंदी ना फिर ही हाइब्रिडाइजेशन करी दी आ इलैक्ट्रॉन इत्थे लै जाणा इहनूं प्रमोट करता आपां हुण मीनिंग क्लीयर हो गया ना फिर हाइब्रिडाइजेशन होनी इस तों बाद हाइब्रिडाइजेशन पहलों की होनी प्रमोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन आ वेखो लिखिया ना प्रमोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन डन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन तो पहलों इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वा वह अगे भेजना ही पैना फिर हाइब्रिडाइजेशन करांगे आपां ठीक है फोर्थ फोर्थ विच
लिख लेने लास्ट कंडीशन, मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इनहाइब्रिडाइजेशन। जिदा आखो आ भी अनपेयर्ड या पेयर्ड का मतलब हों दो जाने अनपेयर्ड 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 तो अनपेयर्ड ज़्यादातर अनपेयर्ड ही हाइब्रिडाइजेशन कर दे। पर मैं इतने ये नहीं कहा भी सिर्फ तो सिर्फ, मैं क्या मोस्टली ज़्यादातर अनपेयर्ड करते ने। एग्जैक्टली वर्ड नहीं लिखिया मैं, इहदा मीनिंग की हैगा जे आपां नोट दे अंडर लिख लिए पेयर्ड भी कर सकते ने भी इदां दे भी कर सकते है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आलसो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन आपां खत्म करना ही नहीं जिन्ना चिर तक सैटिस्फैक्शन नहीं होंगी। थैंक यू, नैक्सट वीडियो से देखांगे बाकी।